आप भी इस बार ठीक है। अच्छा ठीक है मैं करूँ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मेरी धनी भी अच्छी है। धनी को चोटू लगी थी, थोड़ा दिखा दो गाइस को आपको चोटू कहाँ लगी थी। ये नीचे बोलो बाबू भैया आपको बता रहे हैं ना कि आप दिखा दो गाइस को, बता दो कहाँ चोटू लगी थी। चिल्लाते नहीं है, दिखाओ दिखाओ। देखो गाइस धनी को ना मेरी चोटू लग गई थी इसमें, है ना धनवी? कैसे लग गया था, किसमें लग गया था? दरवाजे में। हाँ और धनवी बहुत रोई थी, बहुत रोई थी धनवी। हाँ हाँ और आप भी रोते हो। सो गाइस ब्लॉग जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। काफी आजकल मैं ढीली पड़ गई हूँ ब्लॉग शूट करने में, बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। शॉर्ट्स अगर शेयर कर ले रही हूँ उसी से काम चल जा रहा है। एंड अभी धनवी को थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं और फिर कहाँ चलेंगे धनवी? घूमी चलेंगे। धनवी मम्मा कहाँ है? मम्मा घूमी गई, घूमी गई। और दादी, दादी भी घूमी गई धनवी को छोड़ के। रोने लग जाएगी। अब इसकी मम्मा नहीं है ना तो इसलिए ये रोने लग गई थी। मम्मी और वो गए हुए हैं और मैं रेडी हुई थी वीडियो बनाने के लिए। एक दो ही वीडियो ऐसे शूट किया, ये रोने लग उठ गई। सोई हुई थी, सोते हुए छोड़ गए, उठ गई। और सोता हुआ बच्चा उठता तो ज़्यादा ही रोता है, तो परेशान करने लग गए, इसलिए मैंने साड़ी वाड़ी अपना छोटा पूरा सब खोल दिया। बहुत दिनों बाद सोचा हुआ था उस साड़ी का, ब्लू वाली साड़ी का, कितने महीने से पड़ा है, मैं बस बना नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, तो बस गड़बड़ ही हुआ। लेकिन साड़ी का बना लिया है, एक वीडियो जो भी बनाया है वो पोस्ट कर लूँगी बस। और दूसरी साड़ी नहीं पहन पाई, नहीं बना पाई, कोई नहीं फिर कभी बनाएंगे। और अभी चलते हैं, खाना भी नहीं खाया, थोड़ा खा लें कुछ। भैया और धनवी दोनों प्लीज, आप भैया को खिलाओगे ना तो भैया आपको और प्यार करेगा। एक ही है आज तो, दादी को बोल देती, दादी और लाएंगी ठीक है। दादी को बोल देती हूँ लाने के लिए। धनु आपके लिए दादी लेके आएंगी ठीक है, ये आइसक्रीम ठीक है। अब टीवी देख लो, चलो अब धनवी खाओ, दो मैं खोल दूँ आपको। हाँ पीछे कब से पड़े हुए हैं, ऊपर से थोड़ा इनका लग रहा है, ये एकदम बिल्कुल वो हो गया है।
भाई ठीक है, छोटा वाला ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ना। हाँ चले चुभ रहा है पैर में, पैर में चुभ रहा है। सो गाइज नेक्स्ट डे मैं और मम्मी जो है मार्केट के लिए निकले यहाँ से, क्योंकि हमें सामान लेना है, कुछ पूजा का सामान लेना है, जो कुछ भी सब कुछ मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप लोगों को इसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मम्मी दिखा रही थी सामने कि मेला लगने वाला है यहाँ भी, तो सब झूला वगैरह लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे आए शॉप पे और यहाँ पे माता के लिए और गणेश भगवान हनुमान जी सबके लिए जो ड्रेस होते हैं ना वो हमने लिया। इसमें से ऐसा लगता है ना कि कौन सा ड्रेस ले, बहुत जो अच्छा है जो अच्छा लगे वो ले, इसमें हम चुनते रहते हैं, ऐसा होता है ना। क्योंकि इसमें ना एक हमने माता का ड्रेस ले लिया था, फिर उसके बाद मैंने देखा ना एक बहुत ही सुंदर सा था, प्यारा सा, जिसमें ऊपर घाघरा और ऊपर का ब्लाउज सब कुछ था। मैंने बोला मम्मी ये वाला ले लेते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा वो लगेगा लेकिन ये अच्छा लगेगा। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है ले लो चुनरी और जो भी कलश स्थापन में सामान लगता है ना, पंडित जी ने वो सब कुछ लिख के दे दिया, वो सारा सामान हमने यहाँ पे ले लिया। और हमें जो कलश चाहिए था, मिट्टी वाला नहीं चाहिए, पीतल का चाहिए, तो वो वाला ना यहाँ पे नहीं था, जो था वो बहुत छोटा था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और से लेंगे। और बाकी सारा सामान तो मिल ही गया था। और इसके बाद ना मैंने सोचा कि पापा जी के लिए कुर्ता लेते हैं, पापा जी बैठेंगे पूजा पे तो उनके लिए कुर्ता लेते हैं। तो गई लेने के लिए तो सिर्फ गमछे मिला, कुर्ता जो था वो ज़्यादा डार्क था, मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं बहुत डार्क है, ये वाला नहीं लेंगे। फिर हमने डिसाइड किया किसी और दिन हम सरोजिनी नगर चलेंगे ना, वहाँ से लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा चिलमिलाती हुई धूप थी, हमने बहुत सारा लोटा देखा, एक प्रिंटेड था, मैंने बोला मम्मी ये प्रिंटेड वाला ले लें, तो मम्मी ने बोला नहीं नॉर्मल वाला ही लेते हैं। सो हमने एक पसंद किया, उसे लिए और फिर उसके बाद भाग भाग के आए, बिकॉज धनु का जो स्कूल से आने का टाइम हो गया था तो घर पे आ गए। सो गाइस कल गए थे नवरात्रि की जो है शॉपिंग करने के लिए। हाँ जी, नवरात्रि की शॉपिंग थी, बट स्पेशल क्या था मैं आप लोग बता दूं। हमारे घर ना कलश स्थापन होता है, जब मैं शादी करके आई थी ना तब इसमें देख रही हूँ कलश स्थापन होता है, जई रखाता है, पूजा पाठ होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो नवरात्रि में एक पाठ होता है ना, पंडित जी आते हैं और एक पाठ किया जाता है 9 दिन, वो नहीं होता था। तो जब मैं शादी करके आई थी तब मैंने मम्मी से बोला हुआ था कि मम्मी अपने घर वो पाठ नहीं होता, बिकॉज मेरी शादी थोड़े बड़े घर में हुई थी तो मुझे लगा पाठ होता होगा। तो मम्मी ने कहा नहीं पाठ नहीं होता है। तो मम्मी से मैंने बोला मम्मी करवाएंगे इस बार से, तो मम्मी ने बोला नहीं एक्चुअली अभी नहीं करवाएंगे, मन्नत है कुछ, वो सारी जब मन्नत हमारी पूरी हो जाएंगी, जो भी हमने माता रानी से मांगा हुआ है और ये मन्नत मांगी हुई है कि ये सब होने के बाद और फिर हम करेंगे पाठ, जो दुर्गा जी का जो होता है 9 दिन पाठ करेंगे। और कॉल आ गया जी, मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना वो मेरे साथ पढ़ाती थी, और इसी चक्कर में फिर मैं अपने कामों में लग गई, भूल गई मैं वीडियो शूट कर रही थी और भूल गई कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं कुछ नहीं बता पाई आप लोगों को कहाँ एंड की थी, मुझे ये भी याद नहीं है। अभी मैं जैसे ही आई ना मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है वीडियो तो अपना कंप्लीट किया ही नहीं। सो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि पूजा की बात, हाँ कि तभी मम्मी ने ये बोला हुआ था कि पूजा जो है हम जब ये सब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारे मन का ये है नहीं होता, हर लोगों का अपना एक मनसा मनोकामना
जो भी हर इंसान की होती है और भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं इस सब चीज़ों की, कि हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, हमने ये किया तो भगवान हमें ये चीज़ दे, ये करें, हम सिर्फ आशा करते हैं उनसे, और बाकी जो हमने जो किया होता है उसके अकॉर्डिंग भगवान हमें देते हैं। सो भगवान जी माता रानी, मुझे मतलब कि मैं इमोशनल, मतलब क्या ही बोलूं, कि थोड़ा सा ये लग रहा है कि माता रानी का आशीर्वाद बना है हम पे, हम बहुत खुश है, हैप्पी फैमिली है, बहुत पुरानी मनोकामना हमारी जो है सब कुछ पूरी हो गई, इतने साल की, 7 साल हो गए, लेकिन फर्स्ट टाइम इस बार ये इतना बड़ा पूजा होने वाला है जिसमें हमारा जो है पाठ होगा, बहुत सारी चीजें करवाएंगे हम, जैसे कीर्तन होगा भी बीच में, कभी भंडारा भी करवाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो कि हम करवाएंगे इस साल, और हम बहुत खुश हैं। और और आप लोगों ने जो प्यार दिया है ना, और जितना प्यार देते हो, जो कुछ भी हो पाया आप लोगों की वजह से हो पा रहा है, मतलब हम बहुत 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 ज्यादा खुश है। तो इसके लिए हम माता रानी को तो थैंक यू बोल ही रहे हैं, हम उनको थैंक यू बोल के क्यों उनके उस चीज को हम छोटा करें, मतलब उसका तो कोई वो नहीं है। बट हाँ, आप लोगों को जरूर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो आप लोगों ने किया है मेरे लिए किया है। सो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मुझे मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मुझे ऐसी फैमिली मिली है जिनको जो चीजें, मतलब वो मेरे लिए जो फील करते, जैसे बोलते हैं ना, एकदम तो बिल्कुल इमोशनल कर देते हैं, तो बहुत अंदर से ना वो फीलिंग आती है। मतलब ये सारी चीजें कई बार मैं बोल चुकी हूँ, ये सारी चीजें अचीव की, तो ये चीजें ना इंसान के लिए कमाना बहुत मुश्किल होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग बस ऐसे प्यार देते रहो, जितना से जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि जो भी मैं वीडियो ब्लॉग डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि इस बार नवरात्रि में बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, वो मेरे वीडियोज तो देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर देखती हूँ ना कि कितने परसेंटेज सब्सक्राइब किए हैं, कितने नहीं किए, तो वहां पे बहुत अभी बाकी हैं जो लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो कर लेना। एंड लास्ट एक और बात बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं ऐसे कुछ, क्योंकि देखो ये सारी बातें हो गई, लेकिन इसके बाद मैं ये एक क्लिप दिखा रही हूँ, अब क्लिप देखो। तो गाइज मैं सोई हुई थी, फिर इनका फोन आया कि रेलिंग वाले भैया आए हैं, जाके देख लो, वो नापते हैं कैसे क्या कर रहे हैं, और डिजाइन भी दिखाएंगे, देख लेना। तो मम्मी आई, मम्मी किसी से बात कर रही थी उस टाइम, तो आए, फिर मम्मी ने इसमें डिज़ाइन देखा कि कौन सा लगवाना है, क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअली मुझे पता है कि रेलिंग जो है हमारी प्रायोरिटी है, आप लोग भी हमेशा कमेंट करते हो कि बच्चे हैं घर में, तो उसकी तो लेके हमें भी टेंशन लगी रहती है कि कहीं बच्चे मतलब कि इधर उधर पैर ना फिसले, क्योंकि 2 बार धनवी फिसल चुकी है यहाँ से, और उसको लेके ज़्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि हम ऊपर रहते हैं ना, तो मेरी या बाबू की वजह से ना बिना बताए भी दरवाज़ा खोल के वो आ जाती है, सो ज़्यादा डर लगा रहता है। तो हमेशा से ही सोचते थे कि रेलिंग अब लगेगा अब लगेगा, लेकिन मुझे लगा अब उसका टाइम आ गया है, सो अब लग रहा है हमारा रेलिंग। तो आपने जो इस क्लिप को देखा ना, इस क्लिप में हमने ना सोचा कि अभी सबसे पहले जो है ना हम ये वाला काम करवा लेते हैं अपना, जो है रेलिंग का ये काम हो जाएगा। अभी बात हुई है इनसे, एक और जने से भी बात हुई है, देखते हैं जिनसे तालमेल बैठ पाता है। आप लोगों को पता है कि काम करने के लिए हम यहाँ वहाँ रेट लेते हैं, बातें करते हैं, डिजाइन देखते हैं, किसका सूट करेगा, कैसे करेगा, तभी हम काम करवाते हैं। तो इसलिए हमने की 2 जगह बात, तो अब जिसका भी फाइनल हो पाएगा, तो सबसे पहले जो है हम ये काम सोच रहे हैं कि पहले रेलिंग का ही काम करो, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बच्चे हैं हमारे दो दो छोटे छोटे से, इस वजह से तो पहले ये वाला काम करवाते हैं। सो थैंक यू सो मच माता रानी, एंड थैंक यू सो मच यू गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मैं कितना बोलूँ, बोलती ही जा रही हूँ, बट सच में तहे दिल से शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस काबिल बनाने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। अरे बहुत काबिल बनाया आप लोगों ने मुझे, बहुत 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 कुछ दिया। सो आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखना, अपना साथ कभी मत वो करना, पीछे मत खींचना, हमेशा आप लोग ऐसे ही मेरे साथ खड़े रहना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू, बाय बाय, अभी बहुत सारे काम है मुझे करने हैं।